हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेड टिप्स चैनल में। आज का टॉपिक है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देगी। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी के लिए ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियोस बनाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों, आज के टॉपिक के हिसाब से स्ट्रैटेजी का नाम है एक्यूरेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों, और इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें स्टॉक सिलेक्शन कहाँ पर करना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है, प्राइस मूवमेंट कब आती है शेयर में, डिलीवरी परसेंटेज कितना है, वीवा प्राइस क्या है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, और आपको कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेनी है ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इस स्ट्रैटेजी के साथ में। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको आने के बाद मार्केट डेटा में जाना है। मार्केट डेटा में जाने के बाद इक्विटी और एसएमई मार्केट सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे निफ्टी 50 को स्क्रोल डाउन करके सिक्योरिटीज एंड एफएनओ को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे, इनमें से आपको टॉप गेनर से 5 या 6 स्टॉक्स चूज़ करने हैं और आपके वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं। दोस्तों, यहाँ से ही आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। आपको बहुत सारे जन आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे कि आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करना है वो नहीं बताते। तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्टॉक सिलेक्शन यहाँ से करना है। मैंने ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था पावर ग्रिड का एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो। पावर ग्रिड में मैं आया हूँ यहाँ पे स्टॉक एज के वेबसाइट पे, और आपको सबसे पहले क्या देखना है, मैंने बोला दोस्तों आपको सबसे पहले आपको जाके देखना है फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो 28 को देखो दोस्तों, 28 को ये फ्यूचर इंटरेस्ट प्राइस बढ़ी है और ये ग्रीन में है, तो हमें ये प्राइस और ये स्टॉक कंसिडर करना है ये स्ट्रैटेजी के लिए। फ्यूचर इंटरेस्ट प्राइस जो है वो मैच हो गया, एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया हमारा। सेकेंड क्या है, हमें देखना है स्टॉक का प्राइस और डिलीवरी। देखिए 28 को स्टॉक का प्राइस भी बड़ा है और डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छी खासी है, तो हमें ये देखना है कि उसके अगले दिन हमको एंट्री लेना है उसके उसी दिन। आप वही दिन चाहे तो एंट्री ले सकते हो, नहीं तो अगले दिन भी आप एंट्री लेते हो तो भी आपके लिए वो बेटर है, लेकिन उससे पहले आपको और एक कन्फर्मेशन तो जानना है। दोस्तों, और एक कन्फर्मेशन रहेगा यहाँ पे वी वैप का प्राइस। यहाँ पे आपने देख लिया वी वैप का प्राइस, ये जो है 184.31 ये कम है ये प्राइस से, तो आप यहाँ पे आज एंट्री तो नहीं ले सकते। आप दूसरे दिन देख सकते हो यहाँ पे वी वैप का प्राइस अपने क्लोजिंग प्राइस से कम है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे उस दिन के लिए। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि वी वैप का जो प्राइस रहता है वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर बोल सकते हो या ऑपरेटर वहाँ पे एंट्री लेते हैं, और वो डायरेक्टली वहाँ से 6 या 10 रुपए के हिसाब से वो लोग एग्ज़िट लेते हो। 5% तो वो लोग मार्जिन रखते ही है, 5% प्रॉफिट होने के बाद वो लोग अपना डिलीवरी या अपना पोजीशन है वो सिक्योर ऑफ करते हैं। मतलब आप यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 या 10% का डेफिनेटली यहाँ पे आपको अप ट्रेंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो वीवा प्राइस है ये प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम होनी चाहिए, उसके बाद में ही आप इस स्ट्रैटेजी में ऐसे सारे शेयर्स कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने 28 का ये जो वीडियो है इसका स्क्रीनशॉट निकल के रखा है, और यहाँ पे भेल है, पीएफसी है, हिंद पेट्रो है, ये सारे स्टॉक्स उस दिन वो लिस्ट में थे, तो उनका परफॉर्मेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अभी आप ध्यान देकर देख सकते हो, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम यहाँ पे 28 को मैंने बताया था। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है दोस्तों, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस। तो 28 को कितना था दोस्तों, यहाँ पे चेंज प्लस में है, प्राइस है 291। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलेंगे डिलीवरीज में कितना है। 28 को डिलीवरीज भी अच्छी खासी है, आप 28 को देखेंगे वीवा प्राइस क्या है, ये भी 288 है। तो अगर आप इस दिन यहाँ पे एंट्री लेते तो आपको प्रॉफिट कितना होता दोस्तों, देखिए 291 से स्टॉक गया है 300 तक, मतलब ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ पर शेयर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, वो भी 3 दिन में। दोस्तों, 9 रुपीज़ का प्रॉफिट 3 दिन में, ये तो स्टॉक यहाँ पे वर्कआउट हुआ। दूसरा स्टॉक कौन सा था दोस्तों, दूसरा है यहाँ पे पीएफसी है, यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन देख लेंगे। इसका क्या देखना है हमें दोस्तों, इसका हमें देखना है फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस। 28 को कितना था दोस्तों, प्लस में है, यहाँ पे प्राइस है 143,
डिलीवरी में जाना है। 28 को प्राइस है 143, वीवीएफ प्राइस भी इससे कम, क्लोजिंग प्राइस से कम है, तो ये शेयर हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फ़िलहाल 1 रुपये का ही प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन ये स्विंग ट्रेड है दोस्तों। स्विंग ट्रेड में आपको पेशेंस बना के रखना है। हर सारी चीज़ आपको बोले आपने पैसे लगा दिया, वो हर सारी चीज़ प्रॉफिट में जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये स्विंग ट्रेडिंग है, आपको लॉस तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये बात हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ आप किधर भी इन्वेस्ट करते हो तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, ये प्रकृति का नियम है। अभी जैसे पेड़ है, पेड़ भी आप लगाओगे तो स्लोली स्लोली वो बड़ा होगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्टिंग में लगाओगे दूसरे दिन करोड़पति बनोगे ऐसे तो कभी नहीं होगा। तो स्लोली स्लोली आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और ऐसे ही आप चेक करोगे तो आपकी जो पोर्टफोलियो है डेफिनेटली प्रॉफिट में जाएगा, वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट में। छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट। तो हम लोग और एक स्टॉक यहाँ पे देखेंगे, पावर ग्रिड का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी दिखाया पावर ग्रिड का। और एक है यहाँ पे कोल इंडिया, और यहाँ पे भेल का भी इंफॉर्मेशन हम लोग, BHEL भेल, यहाँ का हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस 28 को कितना था दोस्तों, 189। ये यहाँ पे माइनस था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इस स्टॉक ने अच्छी खासी जम दी है, 3 या 4 रुपए की अच्छी खासी डिलीवरी। चेक करते हैं दोस्तों, 28 को डिलीवरी परसेंट 22 थी, अच्छी खासी थी। तो वीवीएफ प्राइस देख लेते हैं, वीवीएफ प्राइस भी कम है, तो ऐसी सारी चीज़ यहाँ पे आप देख के ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या बोल सकते हो शॉर्ट टर्म का मार्जिन रख के आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो 3 या 4% मैक्स टू मैक्स। अभी 60 से ये 64 या 65 हो गया, तो अराउंड 5 रुपीज़ आपको एक वीक में ही मिल गए दोस्तों। तो ऐसे सारे स्टॉक आपको सेलेक्ट करने हैं, और मैंने आपको बताया कि स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा रहेगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।